खिचड़ी। नहीं नहीं तारीफ हंसब, अभी तारीफ। अभी हम अग्रवाल के यहाँ जा रहे हैं ना, वहां जाके आपको उसकी बेटी की तारीफ करनी है। अच्छा, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि शादी ब्याह करवाना तो हमारा पुश्तैनी काम काज है। अरे हम तुर्रम खा है, तुर्रम खा। अच्छा, ये तो तू मुझे देखा अभी, देख। वाह 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 वाह, कितनी सपक है आपकी बेटी। इसकी त्वचा तो देखिए, दूध जैसी सफेद। मेरा मन करता है कि इसी को उबाल के उसमें चाय पत्ती डाल के ऐसे पी लूं। दूसरा, इसके काले घने बाल तो देखिए, ऐसे दिन में मुंबई में फैला दे तो अमेरिका में रात हो जाए। बाद में उसके लिए रखना। अच्छा अच्छा, आपको तो सचमुच मैं कहती हूँ हिंदी फिल्म के डायलॉग लिखने चाहिए। हाँ तो मैंने लिखे तो है जोश्री, बाजीराव मस्तानी के डायलॉग तो लिखे हैं मैंने। बाजीराव मस्तानी के डायलॉग आपने लिखे? मैं पिक्चर देखने गई ना तो मुझे डायलॉग इतने पसंद आए कि मैंने रात को आके फिर से सारे लिख दिए। अच्छा, ये जयश्री वो अग्रवाल है ना, अपनी बेटी की तारीफ सुन के वो 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही दे देगा। कॉन्ट्रैक्ट हंसा भाभी, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अच्छा, वो भी दे देगा। अग्रवाल, मैं आ रही हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जगत अग्रवाल? नहीं, मैं प्रफुल पारे। प्रफुल गधे, ये अपना खुद का नाम बता रहे हैं, ये है लड़की के पिता जगत अग्रवाल। तो फिर दुल्हन का है? There is all best। अरे मेनका, मेरी बीवी लेकर आएगी। अब देख हिमांशु मैं क्या करती हूँ। बापरे बेटा शिल्पी, चलो दे। और वाह 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 वाह, सपक है आपकी बेटी। अरे ना, इसकी त्वचा देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे चांद चल के आ रहा है, जैसे दाग वाला। आओ भगवान। भगवान, पापा बुला रहे। ये मेरी बीवी है। हाँ? अच्छा, मतलब इनकी भी शादी करवानी है साथ में? ए, भाभी, कौन है वो नसीब वाला? जगत भाई, आप तो एकदम दिलदार निकले हो। हाय हाय, अपनी पत्नी की खुद करवा रहे हैं शादी। आपसे छुटकारा पाकर भाभी जी को मिलेगी आजादी। बाबू जी कुछ कीजिए। बहुत अच्छा है, तुम फिर से बोला, आगे बोल। जगत भाई आपका चकला। ऐसे प्रसंग भी होंगे, वो हास्य परिहास, हास्य कवि सम्मेलन, संगीत संध्या, वो शादी आजादी, वही वाचू बोला ना अभी। लड़के वाले वर्सेस लड़की वाले। वाह वाह बोलिए बाबू जी, वाह 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 वाह। आपका कचरा होगा, कुत्ते की तरह आपको 2 कौड़ी का बना देंगे। जगत भाई, अब आपकी बेटी को बुलाइए। बेटा शिल्पी। ए जगत। ओहो, कितनी सपक है आपकी बेटी। इनके बाल तो देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे मेले में जो बुढ़ी के बाल मिलते हैं ना, उसका रंग उड़ गया हो ऐसे। आज अगर बाबूजी का उपवास न होता तो वो खा लेते। जीजा जी, उपवास में बुढ़ी के बाल चलते हैं। अच्छा, माँ है इनकी। अच्छा, मतलब इनकी भी शादी? नहीं नहीं प्रफुल भैया, इनकी शादी नहीं करवानी है। ओ जगत भाई,
अपनी लड़की शिल्पी को बुला रहे हैं या बाहर वाली शिल्पी को बुलवा लूं? चलिए बुलाइए फटाफट। बेटा शिल्पी जी। पापा अरे कितनी सुपक है आपकी बेटी। इसे देखकर सारी दुनिया कहेगी कि बेटी बेटी नहीं असल में बेटा होती है। रुला दिया। क्या शादी के मंडप में दूल्हा दूल्हा है या दुल्हन दूल्हा है यह किसी को पता नहीं चलेगा। नाम क्या है तुम्हारा मुन्नी? प्रफुल्ल कहते ये इनका बेटा है। ए जगत, और कितने लोगों की आने की गुंजाइश है? ए हाले 16। तू अभी सिर्फ शिल्पी को बुला और नाम लेके बुला। हाँ। और बाकी के 15 को जहर देके मार डाल। शिल्पी चुप रहे। हाँ आई। तू ही आना। यार भैया चलो चलो कितनी सुपक है आपकी बेटी। अभी जी ये बिल्कुल आप जैसी दिखती हो। अरे नालायक हो, राक्षस का मास्क पहना है इसने। अच्छा ये कौन है? वो मास्क किसके लिए? क्योंकि हम शादी के एक फंक्शन में फैंसी ड्रेस सोच रहे थे। अरे हाँ, ये अच्छा है। ए जगत बहुत पुराना भंगार और थर्ड क्लास आइडिया है। अच्छा शादी में क्या क्या प्रसंग होंगे, क्या क्या करना है, ये आइडिया मैं तुम्हें दूंगी। तू खाली 50 लाख का कमीशन दे दे इन्हें। हाँ, दे दे। हाँ 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 बेटा राज अपनी तिजोरी से। क्या? हाँ हाँ बेटा तिजोरी से, पहले आइडिया तो बताइए। हेलो बा, जय श्री। गॉसिप खबर में तो अग्रवाल कुमार ने अपनी बेटी शिल्पी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दिया है। अरे पत्रिका से लेके पग फेरे तक सब कुछ हमें ही करना है भगवान। जीजा जी ये नमक टेस्ट करके बताना बराबर है कि नहीं। बा मैं बाद में बात करती हूँ। थोड़ा नमकीन है नमक में। हाँ मुझे भी लगा। हल्दी ठीक है? हिमांशु हल्दी थोड़ी पीली है पर चलेगा। जैसी बहन हो गया। अरे क्या तंबूरा हो गया? मैंने ये टेस्ट करने के लिए नहीं कहा था हिमांशु। तो अरे मैंने बटाटे वड़े का मावा बनाया है उसमें नमक हल्दी और शक्कर सही है कि नहीं वो टेस्ट करने के लिए कहा था। अच्छा जा, अब मैंने खमण और पात्रा बनाया है उसका मसाला सही है कि नहीं वो टेस्ट कर क्या। हाँ। का फोन सुनो अंसा, जेसी भाभी बटाटे वड़े बनाने वाली है। ओ, पता है अंसा भाभी उसके अंदर मैंने काजू भी डाले हैं। हाय हाय जयश्री तू ऐसा क्यों कर रही है? हाँ अंसा भाभी। हेलो आप कौन? हिमांशु। आप भी हिमांशु? ध्यान से सुनो। हाँ। शादी आयोजन करने के लिए 50 लाख मिल रहे हैं ना तुम्हें? हाँ। मैं 60 लाख दूंगा लड़की को भगाने के लिए। 60 लाख? प्रफुल्ल तू तो गधा है गधा। सुना मैंने सुना। बोलो इस बार क्या किया मैंने? मैंने तुझे क्या कहा था? यही कि अग्रवाल साहब की बेटी की शादी के कार्ड छपवा के है ना। हाँ, तो क्या बाबूजी, तो क्या मैंने शादी के कार्ड छपवाए तो हैं। देखिए शिल्पी वेज मिहिर, देखिए। अरे लेकिन ये शादी का कार्ड पढ़कर मेहमानों को पता कैसे चलेगा कि हॉल कहाँ है? क्यों बाबूजी क्यों? मैंने शादी के कार्ड पे एड्रेस छपाया तो है, नेशनल हॉल पेट्रोल पंप के सामने। ओहो लेकिन गधे मुंबई में हजारों पेट्रोल पंप हैं। हाँ हाँ लेकिन नेशनल हॉल के सामने तो एक ही पेट्रोल पंप है ना। ओहो लेकिन मेहमानों को पता कैसे चलेगा कि नेशनल हॉल कहाँ है? नेशनल हॉल के सामने जो पेट्रोल पंप है वहाँ जाके मेहमान अगर पूछेंगे कि भाई साहब नेशनल हॉल कहाँ है तो वो लोग बताएंगे। देखिए सामने है वो नेशनल हॉल। लेकिन कौन से पेट्रोल पंप पर पूछना है कि नेशनल हॉल कहाँ है ये मेहमानों को नहीं पता होगा ना प्रफुल्ल? हाँ हाँ लेकिन बाबूजी नेशनल हॉल वालों को तो पता होगा ना कि उनके सामने वाला पेट्रोल पंप कौन सा है। इसलिए मेहमान अगर नेशनल हॉल पे जाके पूछेंगे कि भाई साहब आपके सामने वाला पेट्रोल पंप कहाँ है तो वो कहेंगे जो सामने दिख रहा है वो हमारा सामने वाला पेट्रोल पंप।
और उसी तरह वही मेहमान अगर पेट्रोल पंप पे जाके पूछेंगे कि भाई साहब सामने वाला शादी का हॉल नेशनल हॉल कहाँ है, तो वो बताएंगे कि सामने जो हॉल दिख रहा है वो नेशनल हॉल। तो गधे, जब मेहमान नेशनल हॉल पहुंच चुके होंगे तो पेट्रोल पंप जाकर क्यों पूछेंगे कि नेशनल हॉल कहाँ है। तो मेहमान नेशनल हॉल पहुंच गए होंगे ना, तो आपको पूरी बात में प्रॉब्लम कहाँ दिखाई दे रहा है। मीन क्या है बाबूजी, मीन मेहमानों का नेशनल हॉल पे पहुंचना, वो पहुंच जाएंगे क्योंकि मैंने एड्रेस लिखा है नेशनल हॉल पेट्रोल पंप के सामने। देखिए खिचड़ी।